यस तो आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो MCU 23 है, सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ये, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। काफी कॉमन टॉपिक है और इतना ज्यादा टफ नहीं होगा ये सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीजें जो है आपको चीजें पता होंगी और आप यहाँ पे आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से बना करके भी लिख सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है इतना टफ नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इतना बेसिक ये लोग चले गए कि इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक बार समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना मुश्किल कोई सब्जेक्ट नहीं है ये। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है हमारा टॉपिक सब्जेक्ट, और सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी और पॉलिसी। हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी और क्या पॉलिसी होगी। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो दोनों तकरीबन सिमिलर ही होता है, कई बार हम लोग सेम वे में इस्तेमाल कर लेते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में, स्ट्रेटेजी और पॉलिसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रैटेजी अगर ओवरव्यू की बात करें तो स्ट्रैटेजी एक तरीके का प्लान होता है आपका कि मुझे जो है इस काम को इस तरीके से करना है। एंड पॉलिसीज की अगर बात करें तो पॉलिसीज जनरली क्या होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। पॉलिसीज जो होती हैं वो रूल्स होती हैं कि आपको क्या चीजें करनी है अपने बिजनेस में और क्या चीजें नहीं करनी है। जैसे ये कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है, ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये पॉलिसी होगी। और स्ट्रैटेजी तरीका होगा उसके स्ट्रैटेजी में आएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। इन अर्ली टाइम्स व्हेन स्ट्रेटजी वाज नॉट इन अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म द कांसेप्ट ऑफ बिजनेस पॉलिसी वाज मोर इन यूज। तो पहले के टाइम में जब स्ट्रेटजी एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होने का मतलब है कि जब आप स्ट्रेटजी बना रहे हो तो शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी लेवल का मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उसके बाद इंप्लॉई, सबॉर्डिनेट्स वगैरह वगैरह, सबके पास सेम तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मतलब जो टॉप लेवल पे स्ट्रेटजी बनी है उसी को इम्प्लीमेंट करना है, बाकी सारे लोगों को उस चीज को दिमाग में रख करके मतलब एक्टिविटीज को करना है। लेकिन ये चीज पहले के टाइम में ऑर्गेनाइज नहीं था, ऐसा पहले नहीं होता था। अभी के टाइम पे चीजें ऑर्गेनाइज है, जो स्ट्रेटेजी टॉप लेवल मैनेजमेंट रेडी करती है, तैयार करती है, उसी को इम्प्लीमेंट जो है लोअर लेवल तक किया जाता है, लेकिन पहले ये चीज नहीं होता था। तो जब ये चीज नहीं होता था उस टाइम पे बिजनेस पॉलिसी का जो काम है वो बहुत ज्यादा था, मतलब बिजनेस पॉलिसी ज्यादा यूज में थी, है ना, कि ऐसे नहीं करना वैसे करना, इस चीज को ऐसे करना है, पर स्ट्रेटेजी का उतना जो है लोग यूज नहीं करते थे, मतलब उतना ज्यादा यूज भी उस टाइम पे नहीं था, लोगों को जानकारी भी कम थी कि कैसे करना है नहीं करना है, बस पॉलिसीज के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता था। स्ट्रेटेजी वॉज ऑफन यूज एज अ सिनोनिम ऑफ पॉलिसी, देखो बोली गई ये बात, स्ट्रेटेजी को कई बार एज अ सिनोनिम ऑफ पॉलिसी यूज किया गया है। पॉलिसी को, स्ट्रेटेजी को कई बार एज ए पॉलिसी बताया गया है कि ये जो है पॉलिसी है, लेकिन स्ट्रेटजी का डिफरेंस है, स्ट्रेटजी और पॉलिसी में अंतर होता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट बोथ आर नॉट सिमिलर इन नेचर, ठीक है। तो कई बार इसको सिनोनिम बताया गया है कि दोनों समान है, लेकिन एक फैक्ट है कि दोनों जो है वो समान नहीं है, दोनों का जो नेचर है उसमें काफी असमानताएं हैं, काफी ज्यादा डिफरेंस है। स्ट्रेटजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन वेयर पॉलिसी इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। स्ट्रेटेजी क्या होता है, एक प्लान ऑफ एक्शन होता है कि आप जो भी चीजें करने वाले हो उसका आपने एक प्लान बना लिया कि पहले ये करूंगा, उसके बाद ये जो काम जब हो जाएगा तो उसको करूंगा, फिर उसको करूंगा वगैरह वगैरह, ये स्ट्रेटेजी है। लेकिन पॉलिसी क्या है, उस काम को करने के लिए जिन नियमों को आपको मानना है वो आपकी पॉलिसीज में आ जाएंगी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मान करके आपको उस काम को करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो आपका पॉलिसी में आ जाएगा। पॉलिसी इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, therefore at times it becomes important to differentiate the two, है ना। तो पॉलिसी जो होती है वो आपके स्ट्रेटेजी का एक पार्ट होती है, इसलिए दोनों में एक तरीके से डिफरेंस को समझ के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट के माध्यम से दोनों में डिफरेंसेस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो है कंसेप्ट, कंसेप्ट की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो स्ट्रेटेजी है, जो डेफिनेशन है, कंसेप्ट में डेफिनेशन ही आपको लिखना है कि स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सेकेंड है पॉलिसी, पॉलिसी में क्या है, पॉलिसी इज द गाइडलाइंस फॉर सर्टेन एक्शंस एंड डिसीजंस टू बी टेकन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलिसी एक तरीके से गाइडलाइंस है कि किन गाइडलाइंस को मान करके आपको कोई भी एक्शन या फिर कोई भी डिसीजन जो है आपको लेना है। स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यस यस स्ट्रेटेजी ऑफ एक्शन है, इसका मेन काम जो है, जो मेन जो इसका विशेषता है वो यही है कि ये प्लान ऑफ एक्शन है, आप अपने कार्यों को किस तरीके से करोगे उसके लिए आप प्लानिंग करते हो, वो आपकी स्ट्रेटेजी कहलाएगी, ठीक है। लेकिन उस कार्यों को करने के लिए आप किन सिद्धांतों को मानोगे, क्या आपका माइंडसेट है, कैसा आपका एटीट्यूड होगा, अप्रोच होगा उस काम को करने का, वो प्रिंसिपल ऑफ एक्शन कहलाता है पॉलिसी, ठीक है। अगर नेचर की बात करें तो स्ट्रेटेजी जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, कभी भी बदलाव हो सकता है,
कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसा आ गया जो कि यस सर, जिस आप एक तरीके से आप वाकिफ नहीं रखते हो, कुछ आपको लगता है कि चेंजेस करने की आवश्यकता है, तो आप वहां पे आसानी से कर लोगे। लेकिन जो पॉलिसी होती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते, तो वो एक तरीके से फिक्स होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है नेचर का। एप्लीकेशन की अगर बात करें, सो रिलेटेड टू जैसे डिसिप्लिन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर सिचुएशंस, है ना, ये स्ट्रेटेजी का जो इस्तेमाल है वो जनरली डिसीजन मेकिंग के काम में होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका फ्यूचर में वो किस जैसे तरीके से काम करेगा, फ्यूचर के सिचुएशन में वो किस तरीके से जो है उसको चीजों को टैकल करना है, वो सारी चीजें जो है इसमें आ जाएंगी। और सिचुएशन विच मे ऑकर इन फ्यूचर, है ना, तो इस तरह का कोई भी सिचुएशन जो कि इन फ्यूचर में आ सकता है, या अभी आपका बिजनेस ऐसा काम कर रहा है, इन फ्यूचर किस तरीके से काम करेगा, उसको लेकर के आप स्ट्रेटेजी बनाओगे। तो ये इसका एक जो है एप्लीकेशन है। पॉलिसीज की अगर बात करें, तो रिलेटेड टू द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिपीटेटिव एक्टिविटीज, अगर आप कोई एक्टिविटी बार बार कर रहे हो, या फिर कोई एक्टिविटी आप एक ही बार क्यों ना कर रहे हो, लेकिन जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो वो किस रूल के तहत आपको करना है, ठीक है ना, किस नियम को मान करके आपको उस काम को करना है, क्योंकि अगर आप नियम नहीं मानोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉलिसीज जो होती है वो जनरली रेगुलेशंस होती है, जिसके जरिए आपको आपकी बिजनेस एक्टिविटीज को गवर्न या फिर कंट्रोल किया जाता है। मैनेजेरियल कंट्रोल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉलिसीज के क्षेत्र में। ओके, देन डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेटेजी जो है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है, स्ट्रेटेजी जो है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, पॉलिसी जो है वो डिसीजन ओरिएंटेड होता है। स्ट्रेटेजी में हम लोग एक्शन को ध्यान में रख करके हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और पॉलिसीज हम लोग डिसीजन को ध्यान में रख करके पॉलिसीज बनाते हैं, क्योंकि जब एक बार पॉलिसी सेट हो जाती है तो हमें डिसीजन लेने में देर नहीं बिल्कुल लगती, ठीक है। जैसे मेरी पॉलिसी है कि मैं विमेन्स को, यहाँ पे काफी ज्यादा बीच में चर्चा हुई थी कि विमेन्स को जो है मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए, तो कोई कंपनी की पॉलिसी है कि उनको जो है मिलना ही चाहिए, है ना, और बहुत सारी कंपनी की पॉलिसीज होती है कि नहीं, हम लोग मैटरनिटी लीव जो है 3 महीने या उससे ज्यादा हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो जो पॉलिसीज हैं वो फिक्स्ड होती है एक तरीके से, तो वो डिसीजन ओरिएंटेड होता है कि कोई भी काम, जैसे कि आप अगर कॉन्टिन्यूअस 25 दिन या 26 दिन, या मान लीजिए 2 दिन भी अगर आप रेगुलर लेट आ रहे हैं ऑफिस में, तो हो सकता है कि तीसरे दिन जो है आपको घर पे ही बैठने के लिए बोल दिया जाए, और 3 दिन का जो सैलरी वो आपका कट कर लिया जाए, ठीक है। तो ये यस 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 इस तरह का क्रिएट किया जा सकता है कि अगर आप एक दिन नहीं आएंगे तो आपको आपका जो है 2 दिन का सैलरी काट लिया जाएगा, तो वो वेरी कर सकता है। मैं हालांकि बहुत एक्सट्रीम बोल रहा हूँ, ऐसा जनरली होता नहीं है, बट इस तरीके से जो है डिसीजन लेने में आसानी होती है कि अगर कोई कोई इंप्लॉय अगर उसके पॉलिसीज को नहीं मान पा रहा है, तो क्या हमें डिसीजन लेना है, क्या एक्शन लेना है, ठीक है ना, तो वो डिसीजन ओरिएंटेड होगा। बिकॉज कंपनी हैड ऑलरेडी सेट द डिसीजन एक्शन, मतलब इसमें हाँ कंपनी ऑलरेडी जो डिसीजन जो लेके और उसको मतलब पॉलिसी में चेंज कर दिए, इसलिए जो उसपे कार्रवाई हो सकती है। के अकॉर्डिंग जो है उनका डिसीजन लिया जाता है ऑन डिफरेंट सिनेरियोस, डिफरेंट कंडीशंस, वो चीजें होती है। और कई बार राइट पॉलिसीज में बदलाव भी होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सर, ही, कई बार ऐसा देखा गया है कि पॉलिसीज में बदलाव भी हुए हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन स्ट्रेटेजी में बदलाव काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है। अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जहां पे आपको लगेगा कि नहीं, आपको कुछ डिफरेंट डिसीजन लेना है, कुछ डिफरेंट करना है, तो उस टाइम पे आप फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्ट्रेटेजी में, आप तुरंत जो है अपना प्लान को बदल सकते हो, लेकिन पॉलिसी में ऐसा नहीं होता है। तो ये बेसिस है यस डिफरेंस का। फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें, तो स्ट्रेटेजी जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक तरीके से क्रिएट करता है कि क्या होना है, कैसे करना है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट उसको एग्जीक्यूट करता है। और अगर पॉलिसी की बात करें, तो पॉलिसी तो भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाएगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो बिजनेस का मालिक होगा, वही बनाएगा कि क्या पॉलिसी जो है आपके बिजनेस में कामगर होगी। कवरेज की बात करें, तो स्ट्रेटेजी जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक तरीके से कवर करता है, और पॉलिसी जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट को एक तरीके से कवर करता है। क्योंकि जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो स्ट्रेटेजी आपको तभी बनानी पड़ेगी जब आपको बाहर की चीजों के साथ टैकल करना होगा। अगर अंदर में कोई प्रॉब्लम है तो वो तो आप बहुत आसानी से ठीक कर लोगे, ठीक है ना, लेकिन बाहर की चीजों के साथ आपको टैकल करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी जो है बनाना होगा, प्लानिंग आपको करना होगा, ठीक है। तो पॉलिसी जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में उसका यूज ज्यादा होता है, और स्ट्रेटेजी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसका यूज ज्यादा होता है। प्लान ऑफ एक्शन यूज टू अचीव द गोल्स, ठीक है, बहुत सारे काम किए जाते हैं, प्लान बनाया जाता है किसी एक गोल को अचीव करने के लिए, या फिर डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। लेकिन पॉलिसी की अगर बात करें, तो यहाँ पे सेट प्रिंसिपल डिस्क्रिप्शन डूज एंड डोंट्स, यहाँ पे आपने प्रिंसिपल बना दिया, सिद्धांत बना दिया कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। इट इज कंसिडर्ड टू बी मिनी मिशन स्टेटमेंट,
ये एक तरीके से मिनी मिशन स्टेटमेंट होता है कि आपको ये काम जो है करना है और ये काम नहीं करना है। किसी भी तरीके से आप डोंट्स वाले काम को आप डूज में नहीं ला सकते, ऐसा काम जो करने के लिए मना ही है उस काम को आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक मिनी स्टेटमेंट होता है आपके मिशन का, गोल्स तो अचीव करना है लेकिन बाई फॉलोइंग द रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू आर वर्किंग, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको चीजें करनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रोल दैट पॉलिसी हैज टू बी इंटरप्रेटेड विद स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि स्टार्टिंग में इसको जो है सिनोनिम माना जाता था, स्ट्रेटजी और पॉलिसी तकरीबन लोग उसको सिमिलरली समझते थे, बट यहाँ पर डिफरेंस है। डिफरेंस भी किस बेसिस पे हम लोगों ने वो कर लिया, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आपको पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है तो आपको एक स्ट्रेटजी के तहत ही करना होगा, या जो स्ट्रेटजी आप कर रहे हो, जो भी आप प्लान ऑफ एक्शन आपका है, उसको एक पॉलिसी के तहत ही आपको जो है चलाना होगा। तो दोनों में एक तरीके से काफी ज्यादा क्या बोलो इंटरडिपेंडेंसी है, दोनों जो है चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रोल ऑफ पॉलिसी हैज टू बी इंटरप्रेटेड। आपका जो पॉलिसी का रोल है उसको आपको समझना होगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा विथ स्ट्रेटेजी फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। अगर आपको अपनी पॉलिसी को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को इंटरप्रेट करना होगा, बनाना होगा, या उसमें जो भी नेसेसरी चेंजेस है वो आपको लाने होंगे। पॉलिसीज कैन बी जनरल और स्पेसिफिक। पॉलिसी जो है वो जनरल भी हो सकता है या स्पेसिफिक भी हो सकता है। जनरल पॉलिसी सभी पे सभी के ऊपर लागू होता है, स्पेसिफिक पॉलिसी स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल और फंक्शनल, जो आपका पॉलिसी है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकता है, संगठन के रूप में भी हो सकता है, संगठन के लिए भी हो सकता है, या फिर फंक्शनल भी हो सकता है कि आप किस तरीके से काम करोगे वगैरह वगैरह, ठीक है। रिटर्न भी हो सकता है या इम्प्लाइड डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिटर्न भी हो सकता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी इज लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, कि वो एक तरीके से संविधान है कि किस तरीके से आपको चीजों को जो है करना है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि उसको इम्प्लाई किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन को उस चीज की आवश्यकता है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उस चीज को इम्प्लीमेंट भी कर सकती है, इम्प्लाई भी कर सकती है ना, कि अगले दिन ही जो है नोटिस लगा दिया गया कि आपको जो है इस काम को इस तरीके से करना है, पॉलिसी में बदलाव हो गया, ठीक है। तो वो नीड के अकॉर्डिंग भी हो सकता है या रिटेन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या गया है यहाँ पे, व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ टू इम्प्लॉइज इज सिमिलर, ये बताया जा रहा है कि जब किसी दो इम्प्लॉय का परफॉर्मेंस सिमिलर होगा, एक तरह का परफॉर्मेंस होगा, द प्रमोशनल पॉलिसी मे रिक्वायर द प्रमोशन ऑफ द सीनियर इम्प्लॉय एंड द हेंस टी और ही वुड बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन। तो यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि सपोज दो इम्प्लॉय है और दोनों का परफॉर्मेंस अगर एक तरीके का है तो आप किस बेसिस पे किसको प्रमोट करेंगे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, आप जो सीनियर होगा, जो काफी दिनों से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, काफी सीनियर बनता है, आप उसको प्रमोशन जो है पहले देंगे, भले ही दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो सेम ही रहा हो, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आपकी जो प्रमोशन पॉलिसी है वो कैसी होनी चाहिए, है ना। कई बार लेकिन ऐसा नहीं होता, कई बार सीनियर्स को दरकिनार कर दिया जाता है और जो नए लोग होते हैं उनको जो है ज्यादा प्रमोट किया जाता है। बट अगर आपकी पॉलिसी ऐसी है, जैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अगर वहां की बात करूं तो वहां पे सीनियोरिटी को काफी ज्यादा माना जाता है। आप किसी भी चीज के इंचार्ज या फिर उसके हेड तभी बन पाएंगे जब आप सीनियर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कम उम्र में किसी बड़े पोस्ट पे आप पहुंच जाएं। हालांकि आप एग्जाम्स अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो बात अलग है, बट वहां पे अगर आपको किसी हाईएस्ट पोस्ट पे अगर पहुंचना है तो जो भी उसके रास्ते हैं वो आपको सारे पूरे करने पड़ेंगे। मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में हालांकि बहुत ज्यादा इसको नहीं देखा जाता है, जैसा जिसका परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको प्रमोशन वगैरह मिल जाता है, वहां पे सीनियोरिटी वगैरह बहुत ज्यादा नहीं देखी जाती है, ठीक है। तो ये कंपनी के पॉलिसी के ऊपर है कि कंपनी क्या करना चाहती है, क्या कर रही है, ठीक है। स्ट्रेटजी ऑफन बीन यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ पॉलिसी, ये तो मैंने ऑलरेडी बोला। हाउएवर बोथ आर डिफरेंट एंड शुड नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है ना। तो दोनों सेम एक तरीके से माना जाता है कि दोनों सिनोनिम है एक दूसरे का, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग है और दोनों का इस्तेमाल एक दूसरे के साथ मतलब मिलाकर के भी नहीं होना चाहिए, दोनों को अलग अलग ही समझना चाहिए। पॉलिसी इज द गाइडलाइन फॉर डिसीजन एंड एक्शन, पॉलिसी जो है वो गाइडलाइन है आपके डिसीजन और एक्शन के लिए ऑन द पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट। इट इज अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेड फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो पॉलिसी क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है
जो कि आपको समझना पड़ेगा, मतलब आप उसको उसको आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं वो आपकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, है ना। आपकी पॉलिसी सपोज है कि मैं किसी कंपनी से अगर कंपीट कर रहा हूँ, तो उस कंपनी को मैं एक तरीके से गलत काम करके मैं उसके साथ कंपटीशन नहीं करूंगा, ये आपकी पॉलिसी में है, नहीं करूंगा। बट बहुत सारी कंपनीज जो है इतना ध्यान नहीं देती हैं, वो गलत तरीका अपनाती हैं दूसरी कंपनीज के साथ कंपीट करने का। तो जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो वो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए। स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज बोथ आर मीन्स टूवर्ड्स द एंड। स्ट्रेटेजी और पॉलिसीज जो है दोनों ही एक तरीके से माध्यम है आपको एंड तक पहुंचाने का। इन अदर वर्ड्स बोथ आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दोनों जो है डायरेक्टेड है कि आप किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पाओगे, वो पाने में ये जो दोनों चीजें हैं वो आपकी हेल्प करता है। स्ट्रेटेजी इज द रूल फॉर मेकिंग डिसीजन। स्ट्रेटेजी एक तरीके का रूल है जब आप डिसीजन ले रहे हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है ना, वो स्ट्रेटेजी हम लोग तैयार करते हैं। व्हाइल पॉलिसी इज द कंटिंजेंट डिसीजन। पॉलिसी जो होता है वो कंटिंजेंट होता है, वो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि इस लाइन में थोड़ा सा दूरभाष है, इसको हालांकि हम लोग बाद में करेंगे, कोई नहीं। ये टॉपिक हालांकि यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? नो सर, नो सर, इट्स क्लियर सर। जो डेट शीट है एग्जाम का, जो डेट है वो ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है, मैंने पीडीएफ क्या ग्रुप में शेयर किया था आप लोगों के साथ। एग्जाम का नहीं सर, मैं आज शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो एग्जाम डेट है आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का, वो रिलीज हो गया ऑलरेडी, लेकिन टेंटेटिव है, उसमें आने वाले समय में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस जो है वो नहीं होंगे। तो जो मैं अभी आपको पीडीएफ भेजूंगा, आप उसको ध्यान में रख करके अपनी स्टडी जो है अच्छे तरीके से कीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी कीजिए, प्लस जो मैंने वेबसाइट आपको फॉलो करने के लिए बोला था उसको भी करते रहिए, ठीक है। आपका एग्जाम जो है बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको नहीं तो दिखा देता हूँ एग्जाम्स कब से हैं, हेलो, और फिर मैं शेयर भी कर दूंगा। हेलो, हाँ कांशा, कहिए, कुछ कह रही हैं आप? हेलो हाँ कांशा, जी सर, सर कह रहे सेकेंड सेमेस्टर का जो असाइनमेंट मिला था। हेलो सर, मेरी आवाज जा रहा है? हाँ, आ रही आ रही, कहिए। हेलो हाँ आकांक्षा, आपको आवाज आ रही सर, है? कह रहे जो सेकेंड सेमेस्टर का जो असाइनमेंट था सर, उसका जी सर सर तो उसका सॉल्यूशन कब तक मिलेगा सर, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट कर लिया ओके ओके ओके, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर में कोशिश करता हूँ कि आज ही भेज देता हेलो। हूँ। हाँ आवाज आ रही है आकांक्षा, ओके सर, मैं सेकेंड सेमेस्टर ओके आज सर, ही आपको ओके सेंड कर दूंगा, ओके सर, ठीक है? सो डोंट वरी। ओके और किशन का कहाँ तक हुआ लिखना भाई? सर, मेरा स्टार्ट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ बाकी है। ठीक है, तो मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में ही, आप लोग जो है उसको साथ में मिल करके लेटर ऑन, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप लोगों को कंप्लीट हो जाए एक एक करके, आप उसको जो है लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और 30 सितंबर हालांकि लास्ट डेट है, लेकिन वो एक्सटेंड होगा, बट 30 सितंबर को ही ध्यान में रख करके जो है आप लोग फटाफट उसको बना लीजिए, ठीक जी सर, ओके है? मैं आज ही शेयर कर दूंगा, जस्ट वेट कीजिए, मैं जस्ट इस आपको दिखा देता हूँ कि आपकी एग्जाम की शेड्यूल क्या होने वाली है। ओके, दिख रहा है ये? ठीक है, सो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो आपका 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 12 दिसंबर, 12 दिसंबर से आपका ओके। एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। MCO 1 का सबसे पहला पेपर होगा आपका 12 दिसंबर को। MCO 21 वो आपका 14 को है, ठीक एक दिन बाद। MCO 4 22 को है, और MCO 5 23 को है। सारे एग्जाम जो है आपके फर्स्ट हाफ में होंगे, 10 से 1 के बीच में, अच्छा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। सेकेंड फर्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर का। की अगर बात करूं तो ये आपका MCO 6 का जो पेपर है वो सबसे पहले होगा 26 दिसंबर। काफी टाइम है बीच में, 22 23 के बाद 26 को है एग्जाम, तो MCO 6 के लिए काफी सफिशियंट टाइम है, आप इसको कीजिएगा। फिर MCO 22 30 को है, MCO 23 2 जनवरी को है, और MCO 24 4 जनवरी को है। तो सेकेंड सेमेस्टर में तकरीबन आपके पास टाइम है स्टडी करने का।
हालांकि अभी से करते रहिए, बट एग्जाम के टाइम में भी आपके पास बीच में गैप मिल जा रहा है ताकि आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाए। सेकेंड सेमेस्टर में एमसीक्यू 22, 23 और 24, इसका जो पेपर है वो 2 से 5 के बीच में होगा, मतलब सेकेंड हाफ में होगा, फर्स्ट हाफ में नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल आपके 5 एग्जाम जो है वो फर्स्ट हाफ में है और 3 एग्जाम जो है वो सेकेंड हाफ में है। ये टोटल आपको 8 पेपर जो है एग्जाम में देने हैं। अब एक चीज ये भी बताता चलूं कि अगर आपको लगता है कि कोई पेपर आपका ठीक तरीके से नहीं हो पाया है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। इग्नू में कोई वैसा रिजिड रूल नहीं है कि आपको जो एग्जाम देना ही है। यस ठीक है, आप दोनों का यस एडमिशन तो हालांकि जैन का ही है ना, जनवरी 2023 का ही है। यस सर, मेरा जन 23। हाँ मेरा भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। दिसंबर में कोशिश कीजिए कि 8 हो जाए, क्योंकि मैं क्लासेस तो 8 की ही ले लूंगा, और अगर नहीं हो पाता है इन केस किसी कारण से तो घबराने वाला कोई बात नहीं है। आप जब अगला एग्जाम होगा थर्ड सेमेस्टर वाला जून में, तो वहां पे भी आप एक दो पेपर जो है दे सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन ये आपका 8 है प्रॉब्लम। ये मैं शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, आप इसको भी जो है साथ में ध्यान में रख करके अपनी स्टडी वगैरह जो है वो कीजिए। जी ठीक है, ओके देन, तो मैं शेयर कर देता हूँ और अगले क्लास में मिलते हैं कल सुबह फिर 8 बजे। ठीक है, राइट सर, ओके सर, ओके देन, ठीक है फिर, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। बाय सर, गुड नाइट, थैंक यू।